आज के हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म फर्स्ट ग्रेड के लिए। जिनको भी पर्सनल ट्यूशन चाहिए वो मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। देखो 5 + 8 - 5 और माइनस हो तो प्लस कर देते हैं तो कितना आ गया, 5 + 2 हो गया, ठीक है 7 हो गया। उस लिस्ट में इस लॉन पेयर की स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है ना, तो इसकी स्ट्रक्चर है पेंटागोनल प्लेनर, तो उस लिस्ट में ऐड कर लेना, पेंटागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगी इसकी। ओके, कौन सा है, लिंकेज आइसोमर, ठीक है डाल लिया। दूसरी होती है हाइड्रेट, दूसरी होती है हाइड्रेट, डाल ली। तीसरी है कोऑर्डिनेशन, चौथी है आयोनाइजेशन, चौथी है आयोनाइजेशन, आगे बोलू जी। पांचवी है लिगेंड पोजीशन, लिगेंड पोजीशन, ठीक है। छठवी है कोऑर्डिनेशन पोजीशन, कोऑर्डिनेशन पोजीशन, और सातवीं है पॉलीमराइजेशन। ओके क्लियर। यस सर। अब ध्यान से देखना, तो जो नीट वगैरह के पेपर होते हैं उनमें तो बेसिकली ये आती है, एक तो लिंकेज, दूसरी हाइड्रेट, हाइड्रेट का एक नाम और भी है और इसको हम सॉल्वेटेड भी कहते हैं, थर्ड हो गई हमारी कोऑर्डिनेशन, और फोर्थ हो गई आयोनाइजेशन, ठीक है क्लियर। और जो टफ वाली है ना वो इजी है क्योंकि उसमें ज्यादा टाइप नहीं बनती तो वो देखते ही समझ में आ जाती है, क्लियर। अब इसको पहले तो देख लो कैसे करते हैं। अगर किसी में एम्बिडेंट लिगेंड हुआ, कौन सा एम्बिडेंट, एम्बिडेंट लिगेंड, एक CN होता है, एक NO2 होता है मेन, और एक SCN होता है, और एक फिनोक्साइड आयन होता है, ठीक है। तो अगर इनमें से कोई हुआ तो लिंकेज आइसोमेरिज्म तय, क्लियर। यस सर। और हाइड्रेट के लिए H2O और NIN का होना जरूरी है कंपाउंड में, क्लियर। कोऑर्डिनेशन के लिए उसमें दो ब्रैकेट का होना जरूरी है, क्लियर। यस सर। ठीक है ना। और आयोनाइजेशन के लिए ब्रैकेट के बाहर और अंदर डिफरेंट एनायन होने चाहिए, डिफरेंट एनायन, ठीक है, डिफरेंट एनायन आउटसाइड और इनसाइड द ब्रैकेट, और नहीं तो इन चार तीनों से जो बच गई तो कौन सी होगी, तीनों से बच आयोनाइजेशन आई, ठीक है ना। अब क्वेश्चन जो एग्जाम में अपने कॉम्पिटेटिव लेवल पे आता है वो तो देखो ऐसे आता है कि कोवाल्ट NH3 5 NO2, ये कौन से आइसोमेरिज्म दिखाएगा, लिंकेज। तो हम फटाक से देखेंगे कोई एम्बिडेंटेड है क्या, ठीक है ना। तो हमने इसको देखते ही पहचान लिया ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है, इसलिए कौन सी आइसोमेरिज्म दिखाएगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म। और 12th क्लास में क्वेश्चन कैसे आता है, ध्यान से सुनना, कि इसका आइसोमर बनाओ और उसका आयुपिक नेम लिखो, क्लियर। तो तुम्हारे यहां भी आ सकता है कि इसका जो आइसोमर होगा उसका आयुपिक नेम क्या होगा, NO हो जाएगा सर इसका। तो कोई लिख सकता है इसका आयुपिक नेम, पेंटा एमाइन ट्राइटो,
तो इसका आयुपिक नेम मैं आपको लिखकर दिखाता हूँ हर्षित। यस सर। क्या होगा बोल भैया? पेंटामाइन। पेंटामाइन कोबाल्टेट कोबाल्ट सेकंड। वापिस बोल। पेंटामाइन। पेंटामाइन ओ नाइट्राइटो। ओ नाइट्राइटो। ओ नाइट्राइटो। तो बताता हूँ पहले वाले का नाम हो जाएगा पेंटामाइन एन नाइट्राइटो। पहले वाले का नाम होगा पेंटा एमाइन। अब देखो इसमें डबल एम आएगा और नाइट्राइटो एन। क्लियर? कोबाल्ट। अब बताओ कोबाल्टेट आएगा क्या? पॉजिटिव आएगा ना सर, इसमें नहीं आएगा, कोबाल्ट ही आएगा। और दूसरे वाले का नाम ये तो बिल्कुल सेम होगा, ये बदल जाएगा ये वाला, और इसकी जगह क्या आ जाएगा? ओ हो जाएगा, नाइट्राइटो ओ। क्लियर? कोबाल्ट थर्ड। तो ट्वेल्थ वालों के तो क्या है, लिखने को आता है, ट्वेल्थ वालों के तो लिखने को आता है, और तुम्हारे उत्तर आते हैं। हाँ उत्तर आता है, तो कॉम्पिटिटिव पढ़ना आसान होता है हमेशा हमारी समझ में, तो ठीक है कि नहीं? बढ़े आगे। जी सर। अब देखो ध्यान से, पहली आइसोमेरिज्म तुम्हारे सामने स्क्रीन पर है कि हाइड्रेट आइस, देखो हाइड्रेट आइसोमर्स बनाने के लिए क्या करते हैं, H2O को बाहर वाले एनायन से रिप्लेस कर देते हैं। तो देसी भाषा में लिख लेना, क्योंकि हमें पेपर नहीं देना लिखने वाला, ठीक है? क्या करेंगे, इस H2O को बाहर वाले एनायन से, तो हम क्या लिख लेंगे, हम लिख लेंगे हाइड्रेट आइसोमर्स बनाने के लिए बाहर वाले एनायन से H2O को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे H2O को, ठीक है ना, ब्रैकेट के बाहर वाले एनायन से रिप्लेस कर देंगे, वाले आयन से, ठीक है? और जिस दिन आप ये बोलने लगोगे उस दिन आप क्वेश्चन भी करने लगोगे, फिर आपको ये परेशान नहीं करेगी। तो देखो पहले वाले में एक H2O बाहर चला गया क्या? यस सर। है हर्षित? यस सर। दूसरे वाले में दो, तीसरे वाले में, तीसरे वाले में तीन चले गए, तीसरे वाले में तीन चले गए, कोई डाउट? तुम में से कोई इस इन तीनों का नाम बता सकते हैं क्या, फर्स्ट वाले को छोड़कर? बता देंगे सर। बता देंगे का मतलब क्या होता है, फ्यूचर टेंस होता है, ऐसा पढ़ाया जाता है ऐसा तो अपन तो इसका बता रहा है क्या, दूसरे वाले का? हाँ ठीक है बोल। पेंटा एक्वा क्लोरिडो। पेंटा एक्वा क्लोरिडो, यहाँ तक तो ठीक है, आगे बोल। कोबाल्ट। कोबाल्ट। कोबाल्ट सेकंड क्लोराइड। थर्ड Cl2 है क्या सर आगे लाल? हाँ Cl2 है, कोई बात नहीं, ले अब देखेगा। हाँ क्लोराइड आ जाएगा सर। और मोनोहाइड्रेट है, अब आगे मोनोहाइड्रेट और हाइड्रेट लिख देते हैं। तो कितना हाइड्रेट लिखेंगे इसमें, मोनोहाइड्रेट, और तीसरे वाले में ट्राई हाइड्रेट हो जाएगा। ट्राई हाइड्रेट हो जाएगा, कोई डाउट? नो सर। पक्की बात? तो सर इसमें ये लगाते थोड़ी है, इसमें मोनो डाई ट्राई है, ये मोनो डाई ट्राई लगाते हैं क्या? लगाते हैं वैसे, मोनो हाइड्रेट व डाई हाइड्रेट ट्राई हाइड्रेट। नहीं नहीं, वो जैसे आप बताते हो कि प्लस
पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन है तो उसकी संख्या का तो लगाते ही नहीं। नहीं तो ये आयन थोड़ी है ये। ओके तो बताओ हाइड्रेट में हर्षित क्या करना पड़ता है हाइड्रेट आइसोमर बनाने के लिए? तो बाहर वाले एनायन से, ठीक है ना। हाँ ये देसी भाषा में जिस दिन रट लोगे ना उसी दिन कहानी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। हमारे सामने दूसरा दूसरी आइसोमर आ रही है और दूसरे आइसोमर कौन है? लिंकेज आइसोमर। लिंकेज आइसोमर बनाने के लिए क्या होना चाहिए? एम्बिडेंट लिगेंड, ठीक है ना। तो एम्बिडेंट लिगेंड को पलट कर लिख देंगे, क्लियर है? है? क्लियर है। इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं। तो उतार लो कम से कम पहले वाला एग्जाम्पल तो उतार ही लो। अर्षित क्या इस पहले वाले का नाम बता सकता है? क्या नाम है? कॉमन नेम। हैं? इस पहले वाले का कॉमन नेम कौन बताएगा? सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड है सर ये। हाँ ये सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड है अर्षित। क्या नाम? सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड। सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड ये किसके टेस्ट में काम आता है? ये सर सल्फर के टेस्ट में काम आता है। ये सल्फर के टेस्ट में काम आता है। रिएक्शन लिखे क्या? आती है क्या? है? Fe4 हो जाएगा सर उसमें ये। तो देखो जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे CN5 और NO की रिएक्शन जब हम Na2S के साथ में कराते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है Na4FeCN। ओके CN5 और NOS। ओके और इसका रंग कैसा होता है अर्षित? वॉयलेट। वॉयलेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। कोई डाउट इतने में? सर बड़े फिर आगे है जी सर। तो लिखो तीसरी डालो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म को हिंदी में कहते हैं समन्वय समायवी। बड़े आगे बड़े तो लिखो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बनाने के लिए लिगेंड को एक्सचेंज कर देते हैं और क्या देखते हैं योगिता? सर ये दोनों ब्रैकेट में होंगे। हाँ दो ब्रैकेट होंगे हमेशा। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स में हमेशा दो ब्रैकेट होंगे। क्लियर क्लियर। अब ध्यान से सुनना। अगर हमें इनका एक आइसोमर बनाना हो सिर्फ एक तो मेटल बदलते हैं और एक से ज्यादा बनाने हो तो लिगेंड को तो लिगेंड बदल देते। तो फिर हम क्या करते हैं? लिगेंड बदल देते। ये बात लिख लेना ठीक है ना। वन आइसोमर के लिए हर्षित क्या करेंगे? मेटल को चेंज के लिए लिगेंड बदल दो। नहीं मेटल बदल दो। मेटल चेंज कर दो। ओके और ज्यादा बनाने हो तो लिगेंड लिगेंड। अब ध्यान से देखना ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का एग्जांपल है तो बताओ दोनों मेटल सेम है या अलग अलग? अलग अलग है। तो लिख लो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर मेटल अलग हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में मेटल अलग हो तो 4 आइसोमर। मेटल डिफरेंट हो तो कितने आइसोमर हर्षित? 4 और मेटल सेम हो तो दो,
मेटल सेम हो तो दो, तो फिर दो आइसोमर बनेंगे। अगर ये दोनों तरफ प्लेटिनियम या कॉपर होती तो कितने आइसोमर बनते योगिता? क्या सर? अगर ये दोनों तरफ एक ही मेटल होती ये प्लेटिनियम और कॉपर में तो कितने आइसोमर? दो। दो आइसोमर बनेंगे। अब ध्यान से देखना नीचे भैया, हमने इसके आइसोमर बनाए तो एक एक करके लिगेंडों को बदलना शुरू कर दिया। तो देखो एक तो ये आइसोमर है ही, और यहाँ कितने और लिखे हुए? चार। चार। तो इनमें से कौन सा आइसोमर नहीं है इसका? बी नंबर नहीं है सर। तो बी नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि ध्यान से सुनना, दोनों ब्रैकेटों पे कैसा चार्ज है? जीरो। जीरो। लिगेंड भी तो समान है सर। तो लिगेंड समान देखना, ये एक ढक्कन तरीका है एक्चुअल में। अगर दोनों लिगेंड बराबर हो ना तो जीरो चार्ज आ जाता है ना सामान्यतः, पर ये असली तरीका नहीं है। कभी उसने ऐसी गड़बड़ कर दी तो अपने गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर? वैसे होगी नहीं ऐसा कभी। तो ये दूसरा वाला आइसोमर क्यों नहीं है? क्योंकि क्योंकि ब्रैकेट पे चार्ज कैसा है हर्षित? जीरो। क्योंकि चार्ज जीरो है इसलिए ये दूसरे वाला संभव नहीं। क्लियर है? अरे ठीक है क्या? तो वो देखो ये चार चॉइस होती है अपने एग्जाम में, चार होती है कि पांच? चार। तो चार ही छाप देगा सीधे सीधे। क्लियर? आगे बढ़े तो देख और देखना और बताना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे, इसके कितने आइसोमर बनेंगे? मेटल सेम है तो दो ही बनेंगे। हैं? मेटल तो दो ही बनेंगे। मेटल सेम है तो दो ही बनेंगे। क्लियर? अब वो हमको क्या है, कुछ आइसोमर और दे देगा, देखना ये वाला बनेगा या नहीं। है? तो इसका सिर्फ एक यही यही आइसोमर बनेगा, तो फंस मत जाना। हैं? इसका सिर्फ यही आइसोमर बनेगा। ओके जी सर। और देखो ये बनेगा क्या, ये भी आइसोमर नहीं बनेगा क्योंकि ये पहले वाले से मिलता है। क्लियर? पक्की बात? Yes. तो यहाँ पे हर्षित हमारा क्वेश्चन है ये क्रोमियम, ठीक है ना, क्रोमियम CN6 और क्रोमियम नहीं कोबाल्ट NH3 कौन सी आइसोमेरिज्म दिखाएगा? कोऑर्डिनेशन दिखाएगा। कोऑर्डिनेशन दिखाएगा। और आइसोमर बनाने के लिए क्या करें, एक ही बनाना है? मेटल को चेंज कर देंगे। मेटल चेंज कर देंगे तो ये बन जाएगा। जनरली किताबों में ऐसा नहीं है, लिगेंड ही एक्सचेंज करते हैं। ध्यान से सुनना, हम लिगेंड को एक्सचेंज क्यों नहीं करते? जब हम लिगेंड एक्सचेंज करेंगे तो सारे साइनाइड किधर आ जाएंगे? राइट साइड में आ जाएंगे। तो इस वाले ब्रैकेट पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा जो टेक्निकली रॉन्ग हो जाएगा। हमेशा एनायन पहले लिखा जाता है बाकी बाद में, इसलिए मेटल एक्सचेंज करने से वो लफड़ा नहीं होता। तो जो लोग लिगेंड बदलते हैं वो फिर बाद में इस ब्रैकेट को उठाकर इधर रख देते हैं। क्लियर? अब इसके कितने आइसोमर बन सकते हैं हर्षित? हैं? हर्षित चार। प्रदीप चार ही बनेंगे सर। नहीं,
चार से तैने कभी ये सुन तो सही, तैने कभी ये क्वेश्चन आज से पहले किया है? नहीं किया, नहीं किया तो फिर तू कहां से बता देगा बिना करे? सिंपल सा रूल है, सबसे पहले अपने आप से पूछ लो भैया कि क्या पहले किया है मैंने। अगर अंदर से आवाज आएगी नहीं, ओके तो बनाओ भैया, करो थोड़ी मेहनत करो कॉपी पे। चाचा इसके दोनों लिगेंट बराबर है तो जीरो बनेंगे? हाँ बनाकर देखो, बनाकर देखो। हम भी बना रहे हैं, हम चाहते तो हम भी बता सकते थे बस। मालूम क्यों बना रहे हैं? हमने भी आज तक नहीं बनाए। हाँ हाँ लेगेंड जब कहीं ना ज्यादा बनाने हो। कितने बन चुके हैं? आठ। कहां से बन गए यार? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। अभी एक और बन जाएगा। हरे कृष्णा सर, ऐसे बनाएंगे तो रह जाएंगे बाद में तो हमें बाद में बताएंगे ना, थोड़ी मेहनत भी तो कराएं। अब कितने बन गए टोटल? सात। अब अगर अगला बनाएंगे तो वो पहले वाले के जैसा हो जाएगा, क्लियर? अब जब कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स में छह बनते हैं, कितने? छह आइसोमर बनते हैं। इनमें से अब सात तुम्हारे सामने है तो बताओ कौन सा नहीं होगा? ये बराबर लिगेंड वाला नहीं होगा सर, ये नंबर फाइव वाला। नंबर फाइव वाला नहीं होगा, क्लियर? यस सर। तो वो yes. क्या वो क्या करेगा, आपको इनमें से चार या तो डायरेक्ट पूछ लेगा छह, या इनमें से कोई चार बना देगा और कह देगा कौन सा नहीं हो सकता, कौन सा नहीं हो सकता, तो हो जाएगा अपना काम है? हो जाएगा क्या? Yes, sir. तो हम पढ़ रहे हैं चौथी आइसोमेरिज्म, नाम है उसका आयोनाइजेशन। क्या नाम? कौन सी आइसोमेरिज्म? आयोनाइजेशन। आइसोमर्स में क्या होता है, देखो ऐसे करते हैं, क्या ये वाला लिंकेज दिखाएगा क्या? नहीं दिखाएगा। अरे अब तू मास्टर नहीं है, नहीं तो हम तेरे को क्या करें? तुझे कोई एम्बिडेंट दिख रहा है इसमें? नहीं, नहीं दिख रहा ना, तो कहाँ से दिखाएगा? क्या ये तो मैं कह रही हूँ नहीं दिखाएगा। अच्छा यही कह रही है, वेरी गुड। और क्या सर? वेरी गुड। फिर तो ठीक है, तो ये लिंकेज नहीं दिखाएगा। अब बताओ क्या ये हाइड्रेट दिखाएगा क्या? नहीं दिखाएगा। क्यों? पानी नहीं। क्योंकि H2O नहीं है। क्या ये कोऑर्डिनेशन दिखाएगा क्या? नहीं दिखाएगा। क्यों? एक ही ब्रेक, एक ही ब्रैकेट है। तो बची कौन सी? आयोनाइजेशन।
अब इसका आयोनाइजेशन बनाने के लिए हमने क्या किया, न्यूट्रल लिगेंड को तो अंदर रख दिया, क्योंकि हमेशा न्यूट्रल ही पहले अंदर रखे जाते, क्लियर। अब ये जो ये कॉम्प्लेक्स है ये किसका टेस्ट देगा, ये ब्रोमाइड आयन का टेस्ट देगा, और ये वाला ये सल्फेट का टेस्ट देगा। आप ध्यान से देखना, जब हम AgNO3 की रिएक्शन कराते हैं तो AgBr का येलो प्रेसिपिटेट बनता है, क्या बनता है, येलो प्रेसिपिटेट बनता है। और जब हम इसकी बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं तो बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, कैसा प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। तो अब वो तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, वो आपसे कैसे, पहले तो इतना कॉपी कर लो अगर कर रहे हो तो, और स्क्रीनशॉट मार रहे हो तो बता दो क्या कर रहे हो, स्क्रीनशॉट मार रहे हो, कॉपी कर लिया सर, कर लिया तो बड़ी तेज करती। अब देखो ध्यान से भैया, तो बेरियम क्लोराइड के साथ में सल्फेट ने क्या दिया, व्हाइट प्रेसिपिटेट दिया, क्लियर। अब वो तुमको ना कुछ नहीं करेगा और कहेगा जब हम इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन AgNO3 के साथ कराते हैं तो हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, तो बताओ उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, ठीक है। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि AgNO3 के साथ Br और Cl ही टेस्ट दे सकते हैं, सल्फेट नहीं दे सकता। और अगर वो इसमें लिख देता कि बेरियम क्लोराइड के साथ में व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है तो फिर इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाती, सल्फेट बाहर आ जाता, तो सल्फेट बाहर आ जाता, ठीक है, और Br और Cl अंदर आ जाते, अंदर आ जाते। देखो कोई डाउट है, क्लियर, बढ़े आगे, हर्षित। यस, हम चल रहे हैं फिफ्थ आइसोमेरिज्म के नाम, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन पोजीशन के लिए ब्रिज कॉम्प्लेक्स का होना जरूरी है, क्या होना, ब्रिज कॉम्प्लेक्स का होना जरूरी है। और सिर्फ क्या करना है, ये बहुत आसान होते हैं क्योंकि ये बहुत अटपटे से होते हैं, तो सिर्फ लिगेंड को इधर से, सिर्फ लिगेंड को कोऑर्डिनेशन की तरह इधर से उधर ट्रांसफर करना है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल उतार कर लिख लो, लिगेंड को एक साइड से, ठीक है, लिगेंड को एक साइड से दूसरी साइड ट्रांसफर कर दो, क्लियर, किसी को डाउट है इस बात में। और सिक्स्थ वाली कौन सी है अर्षित सर, इसमें सिर्फ एक ही लिगेंड जाता है क्या, नहीं कितने भी ले जा सकता है तू, सारे सीएल इधर कर दे और वो उधर कर दे। अबे ये आई कब है, एक आध बार कभी जिंदगी में गलती से आ जाए तो आ जाए, हम कह रहे हैं ना हमने कभी पढ़ाई नहीं किसी को कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, आजकल हम सारे काम वो कर रहे हैं जो हमने कभी नहीं किए। आप कौन सी पढ़ने वाले हम, लिगेंड पोजीशन। तो लिगेंड पोजीशन आइसोमेरिज्म वो दिखाते हैं जो लिगेंड खुद आइसोमर होते हैं एक दूसरे के। देखो जो ऑर्गेनिक लिगेंड आइसोमेरिज्म दिखा सकता है वही कौन सी आइसोमेरिज्म दिखाएगा, लिगेंड पोजीशन। जो ऑर्गेनिक लिगेंड पोजीशन आइसोमेरिज्म दिखाता हो वो कॉम्प्लेक्स में जाकर कौन सी दिखा रहा है, हर्षित, लिगेंड पोजीशन, ठीक है ना। तो देखो इसका आयुपिक नेम क्या हो जाएगा, 1,2-diaminopropane, और इसका आयुपिक नेम क्या होगा, 1,3-diaminopropane
डाई एमिनो प्रोपेन, ओके, और इसका नाम हो जाएगा 1-2 डाई एमिनो प्रोपेन। तो ये खुद आपस में पोजीशन आइसोमर हैं ये दोनों, तो जब ये कॉम्प्लेक्स में जाकर जुड़ेंगे तो कौन से आइसोमेरिज्म दिखाएंगे? लिगैंड पोजीशन आइसोमेरिज्म दिखाएंगे। और अब बच गई हमारी कौन सी बच गई? पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन बहुत आसान है और शायद पिछले फर्स्ट ग्रेड में आई थी, ठीक है ना। तो एक दिन हमसे प्रदीप ने पूछा था कि नीट वालों के साथ ही पढ़ाओगे क्या, तो तुम्हारे यहाँ तो पिछली साल आई थी और सीबीएसई में ना नीट में 96 में आई थी। तो पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म को देखने का बिल्कुल आसान तरीका है, एक ब्रैकेट से कितने ब्रैकेट बन गए? दो ब्रैकेट बन गए। और जो लिगैंड होते हैं ना, लिगैंड उनको दुगना कर देते हैं, मतलब एक कॉम्प्लेक्स को कैटायन और एनायन में बदल दो, ठीक है। और देसी भाषा में रटना हो तो एक ब्रैकेट से कितने ब्रैकेट? दो ब्रैकेट। क्लियर? ये अभी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में आया, मतलब बहुत सालों बाद हमने किसी एग्जाम में ये देखा कि पॉलीमराइजेशन आई। जब हमने पढ़ाना शुरू किया था तब हमने ये सीखा था। क्लियर? बड़े आगे, बड़े भैया आगे। हाँ सर। तो हम चलते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्फिगरेशनल और एक होता है कौन सा? ऑप्टिकल। नहीं, यहाँ पे भी डूब जाते हैं लोग बाग, देख ले। सर उसके प्रकार है तो है? उसके प्रकार है कॉन्फिगरेशनल और कन्फर्मेशनल, ठीक है। तो हिंदी में कॉन्फिगरेशनल को विन्यासी समावयवता कहते हैं, विन्यासी समावयवता, ओके। कौन सी? ये विन्यासी समावयवता है। क्लियर? और कॉन्फिगरेशनल के दो पार्ट होते हैं, कॉन्फिगरेशनल के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से? स्टीरियो नहीं, फिर डूब गया तू। ज्योमेट्रिकल मास्टर ऐसे ही डूबते हैं। नहीं, अभी वो आरएएस का पेपर, हम कहीं जाते हैं तो आरएएस का आज पेपर हुआ है।